हेलो एवरीवन, आज का हम द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, टेक्निकल रीज़न की वजह से मुझे यह वीडियो दोबारा पब्लिश करना पड़ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कुछ गलती हो जाती है तो ज़रूर माफ़ कर देना और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखो, आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट आई है J&K स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड, उस स्पेशल स्टेटस को कैसे रिमूव किया गया और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर हमारे इंडिया का पार्ट नहीं था या अभी स्पेशल बना है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा जम्मू एंड कश्मीर हमारा था, है और रहेगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। बस ये है कि जो स्पेशल स्टेटस है वो प्रेसिडेंट के संज्ञान में आता है, उसे वो चाहें जब उसे रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा आर्टिकल ओनियन क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे और एक आर्टिकल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत स्कीम और एक भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज होने वाले हैं, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, पहला आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है हमारे सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस स्पेशल रिमूव किया है, स्पेशल स्टेटस रिमूव किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये प्रेसिडेंट के संज्ञान में आता है और हम एग्जीक्यूटिव में और लेजिस्लेचर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिमूव करने से इसका मतलब ये नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर अभी इंडिया का पार्ट हुआ है, ये इंडिया का पार्ट पहले से ही था। देखो, स्पेशल स्टेटस क्या होता, आप स्पेशल स्टेटस को समझ लो, नागालैंड को आर्टिकल 371A के अंदर स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। ये स्पेशल स्टेटस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के द्वारा कुछ स्टेट्स को दिया जाता है ताकि उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके, ट्राइबल रिचुअल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। देखो, हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आगे ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट या ट्राइबल स्टेट को हमारे इंडिया में मिला लेना चाहिए, मगर इसके बाद क्या हुआ बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया कि जम्मू एंड कश्मीर को हमारे जम्मू एंड कश्मीर ने ट्राइबल एरिया को हमारे इंडिया में नहीं मिलाना चाहिए, उनके ऑटोनॉमस स्टेटस को वैसे के वैसे ही मेंटेन रखना चाहिए। तो इंडिया का पार्ट होते हुए भी ट्राइबल रीजन के लॉ एंड ऑर्डर अलग है, उनके मैरिज के रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है और जो विमेन से रिलेटेड एम्पावरमेंट है वो भी वहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो यही बात बताई गई है कि स्पेशल स्टेटस रिमूव करने से ये नहीं मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर आज इंडिया का पार्ट हो गया, ये पहले से ही इंडिया का पार्ट था। हम यहाँ देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो मैटर है ये बहुत सालों से चला आ रहा है, बहुत सारे जजेस ने और बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो परमानेंट बनाना चाहिए। परमानेंट क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत है। आप जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में क्या होता है, 5 जजेस होते हैं या उससे ज़्यादा जजेस होते हैं, इससे कम जजेस नहीं होते हैं, ठीक है। ये जब ज़रूरत होती है उसके बेसिस पर बनाई जाती हैं बेंचेस, मतलब आप ये जान लो कि जब इसकी ज़रूरत होगी तो एडहॉक बेसिस पर बनाया जाता है, इनकी कोई भी परमानेंसी नहीं है, अभी तक इस पर परमानेंट संज्ञान नहीं लिया गया। देखो, बहुत सारे केसेस होते हैं, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो होते हैं वो हमारे डिसाइड किए जाते हैं डिविजनल बेंच से। डिविजनल बेंच क्या होती है, 2 जजेस की बेंच या 3 जजेस की बेंच को डिविजनल बेंच कहा जाता है, ठीक है। तो इन जजेस की बेंच को डिविजनल बेंच कहा जाता है, मगर इन डिविजनल बेंचेस में कभी कभी कन्फ्लिक्ट आ जाता है। आप यहाँ देखोगे, अगर मान लो गे सेक्स से रिलेटेड है तो 2 जजेस की बेंच है, एक जज कह रहा है कि गे सेक्स अलाउ करना चाहिए, दूसरा जज कह रहा है गे सेक्स अलाउ नहीं करना चाहिए, तो ये पेंडेंस हो गया, मतलब केसेस जो है वो सस्पेंशन में चला गया, कोई भी डिसाइड नहीं हुआ ये मैटर। तो ये लार्जेस्ट बेंच को भेजा जाता है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। तो आगे क्या बताया गया है, आर्टिकल 145 क्लॉज 3 कहता है कि मिनिमम जजेस 5 इंपॉर्टेंट है, अगर वो कोई केस है सब्सटेंशियल क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या फिर जो केसेस प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रेफर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की राय के लिए। देखो, आर्टिकल 143 में क्या होता है, प्रेसिडेंट अपनी राय
प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की राय जानने के लिए कुछ केसेस को सुप्रीम कोर्ट रिफ़र करता है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट की राय होती है, सुप्रीम कोर्ट का सजेशन होता है, जो ओपिनियन होता है, ये नॉन बाइंडिंग होता है। आप याद रखना, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये नॉन बाइंडिंग होता है, और इसके सजेशन को अगर प्रेसिडेंट चाहे तो माने चाहे ना माने। तो आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में क्या कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है 5 जजेस की मिनिमम बेंच होगी, और ये जो 5 जजेस की बेंच है ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अगर मैटर आ जाएगा तो उसके इंटरप्रिटेशन को देखेगी, और जो मैटर प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए हैं आर्टिकल 143 में वो रिफ़र किए जाएंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 क्या है? आर्टिकल 143 क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन देखता है, और 143 का अगर ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है तो ये नॉन बाइंडिंग होता है। नॉन बाइंडिंग का क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट इसे माने चाहे ना माने। ठीक है, अब क्या है ये चीज़ देखो, मैंने जो आपको ऊपर बताई वो यही चीज़ बताई गई कि जो डिविजनल बेंच होती है उसमें क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है व्यूज़ में। अब उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए एडॉक बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है, मगर बहुत सारे पूर्व जजेज और एक्सपर्ट का कहना है इसे एडॉक बेसिस पर नहीं बनाना चाहिए, इसके लिए एक परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि अर्जेंट अटेंशन की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी लिटिगेशन बहुत ज़्यादा होती है और पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत हैं, इसको करने के लिए हमें बनाया जाना चाहिए। देखो, जो मैंने वीडियो बनाई थी तो ये मैंने डिस्कस किया था, आपको फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ, ये प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। देखो, पहली चीज़ आप जान लीजिए, जो ओनियन है वो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है, और इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओनियन में। सबसे ज़्यादा ओनियन जो है वो महाराष्ट्र में प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद एमपी में होता है, देन कर्नाटका गुजरात में होता है। अभी रिसेंट जो आर्टिकल जो हेडलाइन आई है उसमें कहा गया है जो ओनियन के प्राइजेज हैं वो ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, वो ड्यू टू ट्रेडर्स हो रहे हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं, ओनियन को रिजर्व करके रख लेते हैं, उससे मार्केट में ओनियन कम हो जाता है, जब ओनियन कम हो जाता है तो उसकी डिमांड की वजह से उसके प्राइजेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओनियन एक ऐसी क्रॉप है जो राउंड द ईयर पाई जाती है, मतलब ओनियन को हम दो साइकिल मेन होती हैं। देखो, ये मैंने इम्पॉर्टेंट येलो किया है, ये इम्पॉर्टेंट है। ओनियन की दो साइकिल होती हैं, जिसमें से नवंबर से लेकर जनवरी तक एक साइकिल होती है, और एक जनवरी से लेकर मई तक साइकिल होती है। 80 से 150 दिन एक क्रॉप में लगते हैं, मतलब 4 से 5 महीने लगते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बहुत पूछे जा रहे हैं। इसके लिए टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है, या 16 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है। क्यों? अगर ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा या फिर ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो ओनियन की क्रॉप उसमें नहीं हो पाएगी। देखो, ओनियन के लिए जो ह्यूमिडिटी चाहिए होती है वो 70% चाहिए होती है, मतलब मैं अगर आपको अच्छा ओनियन उगाना है तो उसके लिए ह्यूमिडिटी 70% चाहिए होती, मतलब बहुत अच्छा। ह्यूमिडिटी क्या होता है, देखो मैं आपको ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। क्या होता है, जब हम कोई भी बात करते हैं या फिर आपसे टैकल करते हैं कोई भी सिचुएशन से रिलेटेड, तो आवाज़ हम जो है पार्टिकल के थ्रू भेजते हैं, ऐसे हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं एयर में। अब ये पार्टिकल के इर्द गिर्द, मान लो ये पार्टिकल है, इसके इर्द गिर्द जो ये पानी आ जाता है इसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जितना पार्टिकल्स में, मतलब एयर में पानी होगा उससे क्या होगा, उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। और ह्यूमिडिटी से आपने देखा होगा वेस्टर्न यूपी में, दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में शरीर चिपचिपा हो जाता, जबकि महाराष्ट्र में आप देखोगे ह्यूमिडिटी कम होती है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपके बॉडी में चिपचिपापन नहीं रहेगा चाहे कितनी गर्मी पड़ जाए, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होती है। तो मैंने आपको ये बताया कि ओनियन के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। देखो, मैं लाल निशान लगा दे रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है ये इम्पॉर्टेंट है, बेस्ट ह्यूमिडिटी कितनी होती है, क्रॉप कैसी चाहिए होती है, मतलब सीजन क्या क्या होता है, और कितने दिन लगते हैं इसको उगाने में, और हमारे इंडिया कितने प्लेस पर है और महाराष्ट्र इसमें नंबर वन है। तो ये ओनियन की बेसिक डिटेल आपसे मैंने डिस्कस की, जो आपको पता ही होना चाहिए कि कैसे ओनियन की क्रॉप वर्क करती है। अगला आर्टिकल रिलेटेड है आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में।
आयुष्मान भारत स्कीम में क्या हुआ है, अभी रिसेंटली क्या किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उनका नामकरण किया जाएगा, उनका आज से नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो जाएगा, ठीक है, और इसकी टैगलाइन हो जाएगी आरोग्यम परामम धनम, मतलब हेल्थ ही सबसे बड़ा धन है, जो आदमी जितना हेल्दी है उसके लिए उतना ही बड़ा धन हेल्थ है। तो आयुष्मान भारत स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, आयुष्मान भारत स्कीम को जब लॉन्च किया गया था तो इसके लॉन्च करने के पीछे मेन रीज़न था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होता है कि हर बंदे को हेल्थ की फैसिलिटी मिले विदाउट पॉकेट एक्सपेंडिचर। क्या होता है हमारे इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि आपको फील होगा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में कि गवर्नमेंट की सर्विसेज से आपको हेल्प नहीं मिल पा रही, आपकी पॉकेट से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। ये अप्रॉक्स कभी कभी इंडिया में ये पहुँच जाता है 68% तक, ये 68% तक पहुंच जाता है, ये बहुत ज़्यादा हाई है। जबकि आप डेवलप्ड कंट्री में देखोगे तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत कम है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। एक बात और इम्पॉर्टेंट बताइए कि एंड 2023 तक इस स्कीम का नाम बदलना है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखना है। देखो, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है पर फैमिली पर ईयर। मतलब कि फैमिली में कितने ही मेंबर हैं, फैमिली की साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी भी साइज हो सकती है, उस पर भी कोई बाउंडेशन नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है कि फैमिली पर फैमिली 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा और ये 5 लाख का इंश्योरेंस सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए होगा। प्राइमरी केयर के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं जिसका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब रख दिया गया है, मगर ये 5 लाख जो होगा वो सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए होगा। सेकेंडरी टर्सरी केयर क्या होती है? देखो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपने गांव में देखे होंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी चोट लग गई तो पट्टी हो जाएगी, आपको बुखार आ गया तो दवा मिल जाएगी। मगर सेकेंडरी सेंटर वो होते हैं, सेकेंडरी केयर वहाँ होती है जहाँ पर आपको लगता है कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर से नहीं सही हो सकता, तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप भर्ती होते हैं। फिर एक्सट्रीम केयर जब टर्सरी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए ये 5 लाख का सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब तक इसमें 50 करोड़ से ज़्यादा सिटीजन पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मैंने बता दिया क्या होता है, क्यों हमारे इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, मैंने आपको बताया स्कीम्स का जो बेनिफिट है लोअर सेक्शन को नहीं मिल पाता है, प्रॉपर सिटीजन्स को नहीं मिल पाता है। अब आप देख लो ये कब लॉन्च हुई। देखो, आयुष्मान भारत स्कीम जो लॉन्च हुई ये रिकमेंड की थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बहुत सारे न्यूज़पेपर के डिस्कशन होते हैं वो ऊपर ऊपर से चीज़ को डिस्कस करते हैं, मगर हमारा पर्पज़ ये रहता है बच्चे को डेप्थ नॉलेज मिलना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर फर्स्ट टाइम आयुष्मान भारत स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टारगेट है लीव नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, उसको अचीव करना। ये हॉलिस्टिकली एड्रेस करती है हेल्थ प्रॉब्लम को, प्रिवेंट करती है, प्रमोशन करती है और एम्बुलेटरी केयर प्रोवाइड करती है। आयुष्मान भारत स्कीम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों लेवल के लिए है, मगर आयुष्मान जन आरोग्य योजना 2 लेवल के लिए। आपको यही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना थी, यूपीएससी पूछती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है वो सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर के लिए है, वहीं आपका सही हो जाएगा ये ऑप्शन। मगर जब आयुष्मान भारत पूरी स्कीम पूछेगा तो इसमें 2 कंपोनेंट आ जाते हैं, एक कंपोनेंट आ जाता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और एक आ जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये प्राइमरी सेक्टर के लिए हो गया और ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के लिए हो गई। की फीचर क्या है इसके, की फीचर आप देखोगे तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कवर करती है सेकेंडरी और टर्सरी स्कीम्स को और प्री हॉस्पिटलाइजेशन को भी इसमें कवर किया जाता है, ठीक है। आपके 5 दिन जो है 3 दिन जो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन को कवर किया जाता है और
क्या कहते हैं 15 दिन जो है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को कवर किया जाता है। देखो प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है कि आप हॉस्पिटल में भर्ती होना चाह रहे हैं तो उससे 3 दिन पहले आपका बहुत खर्चा हो गया तो उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। आप ठीक हो गए मगर उसके बाद आपकी दवा चल रही है 15 दिन तक तो भी वो भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई। ये पूरी की पूरी स्कीम कैशलेस स्कीम है, आपका एक कार्ड बनता है और उस कार्ड से डिसाइड होता है आपको इस स्कीम के बेनिफिट कैशलेस मिलेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप जान लीजिए, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें सेंटर पूरा पैसा नहीं देती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी अप्रॉक्स 40% पैसा खर्च करना होता है, मगर यूनियन टेरिटरी सेंटर के अंडर आती है तो 100% सेंटर पैसा खर्च करती है और हिली रीजन में अप्रॉक्स 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया फैमिली के साइज से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एज से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और जेंडर से रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ऑल प्री एग्जिस्टिंग स्कीम इसमें कवर होती हैं। मैंने बताया 3 दिन पहले प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर किया जाता है, मैंने यहाँ पर बताया, और 15 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर किया जाता है। ठीक है, बेनिफिट जो है इसके सभी सेक्शन को मिलते हैं। आप देख लो आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसी आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करने की एक स्कीम बनाई गई। इम्प्रूवमेंट करने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाएगा, रूरल में सपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, इसी तरह अर्बन में और अर्बन में भी वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। यही बताया गया कि कैसे रोबस्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है अर्बन और रूरल एरिया के लिए, और IT इनेबल्ड डिजीज सर्विलेंस रखा जा सकता है, मतलब कि आपका जो डेटा है वो एक प्लेटफॉर्म पर रखा जा सकता है, जब भी आप आएंगे तो वो आपका नाम डालेगा, आप देखेगा प्रीवियस आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, आप क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो इस आधार पर IT इनेबल्ड डेटा रखा जाता है। अगला आर्टिकल बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। देखो बांदीपुर टाइगर रिजर्व एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। वेस्टर्न घाट जो बायोजोग्राफिकल जोन है जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है उसका ये पार्ट है, और इन जो हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कर्नाटका में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। आप अगर कर्नाटका का मैप देखेंगे तो ऊपर ये महाराष्ट्र से मिल रहा है, इसके ईस्टर्न साइड में ये जो मिल रहा है ये हमारे तेलंगाना से मिल रहा है और आंध्र प्रदेश से मिल रहा है। साउथर्न साइड में आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से ये मिल रहा है, इधर आंध्र प्रदेश से मिल रहा है और ये केरला से मिल रहा है। तो आप इसके नेशनल पार्क देख लो, ये पहला नेशनल पार्क जो महाराष्ट्र से मिलता हुआ कर्नाटका में है, इसे अंसी नेशनल पार्क बोलते हैं, जो कर्नाटका के बीचों बीच है इसे कुद्रेमुख नेशनल पार्क बोलते हैं, और जो कहीं ना कहीं केरला और ट्राई जंक्शन पर है, तमिलनाडु केरला और कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पर है, उसे बांदीपुर नेशनल पार्क बोला जाता है, और बांदीपुर नेशनल पार्क के जस्ट ऊपर जो है उसे राजीव गांधी नागर होल नेशनल पार्क बोला जाता है। बानरघाट नेशनल पार्क जो है यहाँ पर आपका नीचे स्थित है, बानरघाट नेशनल पार्क तमिलनाडु से बॉर्डर मिलाता है। अब आप देख लो कि कैसे बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो वेस्टर्न घाट का पार्ट है। वेस्टर्न घाट माउंटेन बायोजोग्राफिकल जोन ये सराउंड करता है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से तमिलनाडु में, जो साउथ में है यहाँ पर मुदुमलाई होगा, और वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में साउथ वेस्ट में है यहाँ पर होगी, और ये काबनी रिजर्वायर है, काबनी रिजर्वायर सेपरेट करती है नागरहोल टाइगर रिजर्व को बांदीपुर टाइगर रिजर्व से। आप अगर देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, आपको माइन्यूट डिटेल समझा देता हूं, कोई नहीं समझाएगा। यहां पर क्या है, ये काबनी रिजर्वायर है, तो ये हो गया आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये वाला, और ये हो गया नागरहोल टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये काबनी रिजर्वायर है जो इसको सेपरेट करता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे क्या बताया गया है, जो हमारा ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व है ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है और इसमें मेगा बायोडायवर्सिटी एरिया है ऑफ द कंट्री, मतलब इसमें फ्लोरा और फाउना डायवर्सिटी है। फ्लोरा फाउना आप जानते ही हैं जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होता है। इसको कब स्टेबलाइज किया गया था, देखो प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में, उस टाइम इसे स्टेबलाइज किया गया, इसमें बेनू गोपाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कुछ एरिया जोड़ लिया गया, उसके बाद इसका नाम बांदीपुर नेशनल पार्क रखा गया। इसकी लोकेशन मैसूर, इसकी लोकेशन दो डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका के, मैसूर में और चमाराजा नगर में। ठीक है, चमाराजा नगर और मैसूर में इसकी लोकेशन मिलती है, आप ये
बांदीपुर टाइगर रिजर्व अगर देखेंगे, ठीक है। ये ट्राई जंक्शन पर है कर्नाटका के, तमिलनाडु के और केरला के, मैंने आपको बता दिया। बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो यूनेस्को के द्वारा जो बायोस्फीयर रिजर्व डिसाइड किए जाते हैं उसमें नीलगिरी हमारा इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये जो हमारा बांदीपुर टाइगर रिजर्व है ये बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी को दिखाता है, ठीक है। यही कर्नाटका जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इसी कर्नाटका में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर पाए जाते हैं 724 के करीब, और एशियन एलिफेंट जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल, मधुमलाई, बायानाड, ये कॉम्प्लेक्स रीजन है, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा टाइगर कर्नाटका में है, और आगे इन्होंने क्या बताया कि लार्जेस्ट एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन जो है वो कर्नाटका में स्थित है। अब आगे देख लो रिवर कहाँ से जाती है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के नॉर्थ में आपको काबनी रिवर मिलेगी और इसके साउथ में मोअर रिवर मिलेगी। नूगू रिवर जो है इसके पास से होते हुए जाती है, और जो हिल रेंज है जिसे हिमावड़ा गोपाला स्वामी बेटा कहते हैं वो यहाँ पर स्थित है। अदर टाइगर रिजर्व देख लो कर्नाटका में, बांद्रा टाइगर रिजर्व है एक, नागरहोल टाइगर रिजर्व है और धंदेली अंसी टाइगर रिजर्व है। तो ये आज हमने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है या डिस्कशन में आपको बहुत तेज़ी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगा, और कोई डिस्कशन में अगर दिक्कत है तो मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू वेरी मच।